अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है सबका? अल्हम्दुलिल्लाह। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ्क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, जुल हज का महीना शुरू हो चुका है और हम उसके पहले अशरे में हैं। जुल हज का ये पहला अशरा सारे साल पे भारी। इन 10 दिनों में इंसान जो भी नेक अमल करता है उसका अजर सवाब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी भी दिन किया हुआ अमल अल्लाह ताला को इन 10 दिनों में किए हुए अमल से ज्यादा महबूब नहीं। यानी आप जो भी अच्छे अच्छे काम करते हैं, जो अल्लाह ताला को पसंद आते हैं आपसे, उन सब के मुकाबले में यानी काम वही होता है। जो भी नेकी का काम आप करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, सदका खैरात करते हैं, जिक्र अजकार करते हैं, वो काम आम दिनों में भी आप करते हैं, साल के बाकी दिनों में भी करते हैं, लेकिन जो अजर व सवाब इन दिनों में मिलता है उसी काम के करने का, वो बाकी में नहीं। तो सहाबा ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिहाद फी सबीलिल्लाह भी नहीं? आपने फरमाया, जिहाद फी सबीलिल्लाह भी नहीं, मगर वो शख्स जो अपनी जान और माल के साथ निकले और कुछ वापस लेकर न आए। यानी उसकी जान भी जाए, उसकी सवारी भी, यानी हर चीज खत्म हो जाए। जैसे कभी कोई क्रैश हो जाता है ना जहाज वगैरह, तो उसमें जहाज भी जाता है और जहाज चलाने वाला भी और इंस्ट्रक्टर भी और सीखने वाला भी, सारे खत्म हो जाते हैं। तो वो बिल्कुल अनयूजुअल सा वाक्य होता है। तो उसका दर्जा और उसका मकाम बाहर अपनी जगह है और उसका अजर भी नियत के साथ है। लेकिन इसके अलावा कोई काम जो साल भर इंसान करता है उसके मुकाबले में जो इन दिनों में करता है उसका अजर व सवाब कहीं ज्यादा है। ये अल्लाह की खास रहमत है कि उसने हमें मोटिवेट करने के, हमें नेकियों पर जमाने के मुख्तलिफ तरीके और मुख्तलिफ हरबे बताए। मसलन हमारी आमतौर पर मुश्किल क्या होती है कि हम एक काम शुरू करते हैं, कुछ अरसा करते हैं, उसमें रूह भी होती है, खुशी से भी करते हैं, दिल लगा के भी करते हैं, फिर हम थक जाते हैं, फिर वह काम हमारी रूटीन बन जाता है, एक मशीनी अमल शुरू हो जाता है। बस हम एक ऑटोमेटिक मशीन की तरह वो काम करने लगते हैं और उसमें कोई रूह बाकी नहीं रहती। फिर क्या होता है, फिर रमजान आता है, फिर दोबारा से हर चीज ताजा हो जाती है, रमजान गुजरता है, फिर आस्ता आस्ता फिर हम उस रूटीन में आने लगते हैं। तो साल के इख्तिताम से पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें फिर एक दफा उठा खड़ा करते हैं कि तुम और ज्यादा शऊर के साथ, अच्छी तरह दिल लगा कर अच्छे काम करो। और जब हमें यह पता चलता है कि हमें किसी बिजनेस में 10% की बजाय 1000% मुनाफा होने लगा है, तो फिर हम और ज्यादा मेहनत करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ जो बिजनेसेस हैं उनके कुछ मखसूस दिन होते हैं जिनमें सेल बहुत होती है। फसल मिठाई की दुकान, उनकी सेल कब होती है? ज्यादा ईद के दिनों में, शादियों पे। ज्वेलर्स की सेल शादियों के मौसम में। इसी तरह बाकी भी आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ जो बिजनेसेस हैं उनका एक पीक टाइम होता है और उसमें जो दुकानदार होता है वो छुट्टी नहीं करता, उसमें वो लेट आवर्स तक काम करता है, बंद नहीं करता, वो एक्स्ट्रा लेबर रखता है। मसलन बच्चों के यूनिफॉर्म का सीजन जो होता है, स्कूल खुलने का, तो उसमें जिन लोगों की दुकानें होती हैं यूनिफॉर्म की, वो उन दिनों में जब ज्यादा ले रहे होते हैं ये किताबों की दुकानें, तो एक्स्ट्रा काम करवाते हैं, औरों को भी साथ शामिल कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि साल भर की कमाई के दिन है ये, सारे साल में इतना नहीं कमा सकेंगे जितना हम इन दिनों में कमाएंगे। इसी तरह हमारे लिए भी ये दिन रमजान के आखिरी अशरे की रातें और जुलहज के ये पहले 10 दिन इसी तरह के दिन है कि जिनमें हम गाफिल नहीं हो सकते, जिनमें हमें अपने नेक अमल के ऊपर खास तवज्जो देनी है, उसके लिए वक्त निकालना है, उसके लिए थकना है, उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगानी है, और जो काम हम नहीं कर पाते आम दिनों में वो भी करना है। शायद इनकी बरकत से अल्लाह ताला हमें बाकी साल के हिस्से में भी करने की तौफीक अता फरमाए। एक और हदीस में आता है, कोई दिन अल्लाह ताला के यहाँ इन 10 दिनों से ज्यादा अजमत वाला नहीं, यानी ये अजीम दिन है। और ना ही किसी दिन का अमल अल्लाह ताला को इन 10 दिनों के अमल से ज्यादा महबूब है। बस तुम इन 10 दिनों में कसरत से तहलील, ला इलाहा इल्लल्लाह, तकबीर, अल्लाह अकबर और तहमीद, अल्हम्दुलिल्लाह कहो। यानी इन 10 दिनों का पसंदीदा तरीन जिक्र भी बता दिया। जिक्र करने को तो सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी पढ़े आप, लेकिन इन दिनों में खासतौर पर कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर जिक्र करते रहे, खुसूसी तौर पर तस्बीहात पढ़े। फिर आप देखिए कि पहली चीज जो इन दिनों में हदीस से साबित होती है वो क्या है? तस्बीहात। और तस्बीह करने की इतनी ज्यादा फजीलत है कि क़यामत के दिन, मैं रिसेंटली एक रिवायत पढ़ रही थी जिसमें आता है कि 3 लोग थे जिनमें से एक शहीद था और एक आम मरने वाला और एक और, मेरे ज़हन से अब निकल गया। तो जन्नत की तरफ सबसे पहले जो एक आम फौत होने वाला था वो बढ़ा, शहीद उससे पीछे रह गया। तो उस पर जब सहाबा ने ताज्जुब का इजहार किया कि ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि हमारे नजदीक तो शहीद का दर्जा इतना बड़ा होता है कि हम समझते उससे आगे किसी का काम नहीं, ठीक है। लेकिन कहा कि इस शख्स को लंबी उम्र और इसकी तस्बीहात ने शहीद से भी आगे का दर्जा दिया। तस्बीहात, और यही तस्बीहात ला इलाहा इल्लल्लाह। हम समझते अच्छा हाँ ये तो हमें पता ही है, ये तस्बीह पढ़नी होती है, लेकिन हम पढ़ते कोई नहीं है। तो खाली सुनने से तो फायदा नहीं होगा जब तक हम इसको पढ़े ना, और हम अपने बच्चों को भी सिखाएं और घर वालों को भी याद कराएं और बार बार पढ़ने की कोशिश करें। अब इसका अजर कितना है ये तो जिस वक्त अमाल नामा खुलेगा तो तभी पता चलेगा कि कौन कितना आगे निकल गया और कौन पीछे रह गया। ये वो जिक्र है जो हम चलते फिरते, उठते बैठते, काम काज करते, किसी वक्त भी कर सकते हैं, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है। बाकी कामों के करने के लिए तो हाथ पांव हिलाने पड़ते हैं, लेकिन जिक्र के लिए तो जबान हिलानी पड़ती है। और बस तो इंसान को फालतू बातें छोड़कर इस पर फोकस करना चाहिए। फिर ला इलाहा इल्लल्लाह एक ऐसी चीज है कि जो इंसान के दिल के अंदर एक खास नूर पैदा करता है, ईमान की तजदीद करता है, ईमान की रोशनी पैदा होती है। तो ये जो ईमान की रोशनी और ईमान की हरारत पैदा होती है इस जिक्र की वजह से, इससे इंसान को एक मोटिवेशन मिलती है अच्छे अच्छे कामों के करने की। तो वो एक साइकिल बनता है ना, एक चीज दूसरे को पुश करी, दूसरे तीसरे को, तो फिर इंसान उसके साथ आगे बढ़ता रहता है। हम काम क्यों नहीं कर पाते? सुस्ती होती है ना, लेजीनेस या दुनिया की अट्रैक्शन होती है या कोई और। तो उन चीजों को किस तरह, उसका मुकाबला कैसे करें, अपने आप को किस तरह फिर तैयार करें, ये फ्यूल कहाँ से हमें मिलेगा, ये एनर्जी कहाँ से आएगी? आप देखें गाड़ी को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए ना, पेट्रोल चाहिए, बिजली जलाने के जो बल्ब आपने जलाए हुए हैं इसके पीछे इलेक्ट्रिसिटी है ना, तभी रोशनी है ना। कोई भी इंजन चलाने के लिए पावर चाहिए। इसी तरह हमारा इंजन, वो भी किसी पावर से चलता है। उसकी पावर क्या है? उसकी पावर अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह के साथ एक कनेक्शन है, अल्लाह के साथ एक ताल्लुक है। हम दुनिया के कामों में इतने मसरूफ हो जाते हैं कि हमारा कनेक्शन वीक हो जाता है। इंटरनेट का कनेक्शन जब वीक होता है तो क्या होता है? प्रेजेंटेशंस खुलने में, अटैचमेंट्स खुलने में कितनी देर लगती है। छोटी सी फाइल भी खोलनी हो तो मुसीबत पड़ जाती, होता है कि नहीं? तो फिर आप कहते हैं अच्छा क्या है, इसको क्या, उसको क्या, देखते हैं तो पता चलता है कि वो इंटरनेट की स्पीड ही कम है। बिल्कुल इसी तरह जब हमारी स्पिरिट स्लो होती है या हमारा कनेक्शन अल्लाह से स्लो होता है या कम होता है या उसमें जान कम होती है, तो हमारी नमाज वो भी लाग़र, हमारा कोई भी काम अप टू द मार्क नहीं होता, और इसकी बुनियादी वजह ईमान की ताकत का कमजोर होना है। और ईमान की ताकत अल्लाह के जिक्र और अल्लाह के शुक्र और अल्लाह के साथ कनेक्शन के साथ बढ़ती। उसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तरीका बता दिया कि ये तकबीरें पढ़ो, तस्बीह पढ़ो, फर्क पड़ेगा। फिर आप देखिए कि इस अशरे के अंदर अरफा का दिन है। अरफा का दिन 9 जुल्हज जो है वो दिन ऐसा है कि जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला साल भर के मुकाबले में सबसे ज्यादा गर्दने आग से छुड़ाते हैं, यानी हाजियों की। शैतान अपना सर पीटता है, अपने सर पे मट्टी फेंकता है और रोता हुआ चीखता हुआ निकल जाता है जब वो ये देखता है कि इतने सारे लोग, उनको माफी मिल गई, माफी का परवाना मिल गया, उनकी सारी जिंदगी के गुनाह माफ हो गए। वो कहता है कि मैंने इस शख्स को सारी जिंदगी बहकाया, 50 साल 60 साल में इसके पीछे लगा रहा और ये मेरा बंदा बन के रहा, और अब यहाँ आकर इसने सच्चे दिल से तौबा की और इसको माफ कर दिया गया। इंसानों की इस कसरत से मिलने वाली इस माफी की वजह से शैतान परेशान होता है। देखिए कि लैलतुल कदर की भी बड़ी फजीलत है, लेकिन हमें पता नहीं होता कि लैलतुल कदर है किस दिन, मगर 9 जुल्हज तो हमें पता होता है किस दिन है। तो उस दिन हमें भी अरफात वालों के साथ दुआओं में शरीक हो जाना चाहिए। ठीक है, हम वहां उस खास मैदान में नहीं पहुंच सके, उस खास मकाम पे नहीं पहुंच सके, लेकिन अल्लाह तो हर जगह ही है ना, हर एक की सुनता है। अगर उस दिन उन सब बंदों को देखकर अल्लाह की रहमत जोश में आती है तो हम भी उसके बंदे हैं, हम भी अल्लाह की रहमत को पुकारें कि अल्लाह ताला तो हमें भी माफ कर दे। अगर उनका नाम तो उन्हें बख्शिश करने वालों में लिखा है और हमारी हैसियत तौफीक नहीं है वहां पहुंचने की, तो तू हमें यहाँ माफ कर। इसलिए अरफा के दिन में खास तौर पर दुआएं इस्तगफार की, और वो ज़वाल ज़ोहर के बाद। और अरफा के दिन का रोजा 2 साल के गुनाहों की माफी का जरिया है। तो जिक्र के बाद खास तौर पर रोजे का एहतमाम करें। वैसे तो सारे ज़ुल्हज के पहले 9 दिनों में, क्योंकि 10वीं तो ईद होती है, ईद वाले दिन तो नहीं करते, तो और 10वीं तारीख जो यौमुन नहर, उसको यौमुल हज्जुल अकबर भी कहा गया, जिस दिन कुर्बानियां होती हैं। तो कुर्बानी सदके की बेहतरीन किस्म है। यहां पर हम 9 तारीख को रोजा रखें, 10 तारीख को कुर्बानी करें, और उसमें जान का सदका जो है वो इंसान के लिए कई बलाओं को टालता है, कई मुश्किलात के लिए आसानी का सबब होता है। उसकी क्या वजह? उसमें सिर्फ पैसे नहीं लग रहे होते, बल्कि उसमें भूखों के लिए खाने का इंतजाम भी होता है। उसके कई एक फायदे हैं कुर्बानी करने के, इसलिए उसका एहतमाम बहुत जरूरी है। अब कई लोग पूछते हैं कि हम पे लाजिम है या नहीं, हमारे पास इतना सोना कोई नहीं, हमारे पास इतना पैसा कोई नहीं, कई एक बातें करते हैं और इसी कश्मकश में उलझे रहते हैं, पता नहीं मुझे मेरे ऊपर है या नहीं। ये बात नहीं है, बात यह है कि मुझे शौक है कि नहीं कुछ करने का। अगर आपको एक अंगूठी खरीदने का शौक हो तो आपको बेटियां डाल के अंगूठी खरीदेंगे, कोई डिजाइन पसंद तो आ जाए, फिर आप देखें कैसे हासिल करते हैं आप उसको। कुछ भी पापड़ बेल के आप उसको हासिल करेंगे। मुझे याद है अपनी एक स्टूडेंट के बारे में कि उसको हीरे की अंगूठी का बहुत शौक था, और वो कहती थी अल्लाह ने मेरी जिंदगी में सारी ख्वाहिशें पूरी किया, मेरी ये आखिरी ख्वाहिश है, इसके लिए मैंने अब काम करना है। और वो काम करती थी और पैसे जमा करती थी, और फिर उसके बाद उन्होंने खरीदी, और जिस दिन खरीदी उस दिन मिठाई लेकर आए कि देखो मैंने हीरे की अंगूठी खरीद ली। तो मैंने कहा कि शौक की बात है ना, कि उन्होंने अपने साथ एक अहद कर लिया कि ये मैंने पहन के छोड़नी है। शौहर बाज़ुकत नहीं लेकर देते, लेकिन औरतों को अमूमी तौर पर जेवरात का शौक होता है, तो अपने लिए बना लेती है, कुछ न कुछ खरीदती रहती है, और कुछ नहीं, जिसको जिस चीज का शौक है वो कर लेगा। तो अगर हीरे जवाहरात से हमारी मोहब्बत है, तो इतनी मोहब्बत अगर अल्लाह ताला से हो जाए या इससे बढ़ के हो जाए, तो ये हो नहीं सकता कि हम कुर्बानी ना करें, किसी तरह भी करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत अमीर थे, बहुत कुछ था आपके पास, हीरे जवाहरात के ढेर थे, कि उसके बाद वो कहते हैं हाँ अब मैं एक हिस्सा गाय में डाल देता हूँ, बड़ा एहसान है। आपको मालूम है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब आपने अमीर हज बना के भेजा, तो उनके साथ 20 ऊंट भेजे कुर्बानी करने के लिए अपनी तरफ से। और जिस साल आप खुद हज पे गए 100 ऊंट कुर्बान किए, 100 ऊंट। सोचे जरा, यानी 100 ऊंट की लाइन भी आप सोचे ना, और गिनना ही सिर्फ शुरू कर दे तो भी आप देखें कि कितना मुश्किल हो। हमारे यहाँ तो पूरे खानदान में एक ऊंट ना हो, क्योंकि हमने तो वो पैसे कहीं और लगाए हुए। अब आप देखिए कि हर शख्स की अपनी कुछ प्रायोरिटीज होती हैं, किसी को दुनिया कमानी, किसी को आखिरत कमानी। कुछ दुनिया के लिए काम करने वाले तो कुछ आखिरत के लिए करने वाले होते। हमेशा हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि दुनिया के लिए काम तो करना है, मगर आखिरत, वल आखिरतु खैरुम व अबका, वो बेहतर भी है और बाकी रहने वाली भी है। दुनिया की जितनी भी चीजें होंगी खत्म हो जाएंगी, बल्कि दुनिया के ऐसे शौक पैदा करें जो आपकी आखिरत के लिए मददगार हो। जैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा था, इन्नी अहबब्तु हुब्बल खैर अन जिक्री रब्बी, मैंने माल की मोहब्बत अपने रब की याद की वजह से इख्तियार की। ये घोड़े जो हैं ये मुझे रब की याद दिलाते हैं। तो हर शख्स जानता है कि किस तरीके से वो असल मकसद को पूरा करे। तो बहरहाल इस अशरे की फजीलत इस वजह से भी ज्यादा है कि इसमें सारी इबादतें इकट्ठी हो जाती हैं, नमाज, रोजा, हज, ज़कात या सदका। और सदके में भी बेहतरीन सदका यानी जान का सदका, जानवरों की कुर्बानी का सदका, जो मशरिक से मगरिब तक के मुसलमान जो हैं वो किसी न किसी तरह इसको पूरा करते हैं। और फिर खासतौर पर जिक्र इलाही, कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र और तकबीरात। सहाबा कराम जो थे वो बाजार में निकल जाते थे सिर्फ ऊंची बुलंद आवाज से तकबीरें पढ़ने के लिए, ताकि उनको देख के बाकी लोग भी। बाद सहाबा जो थे छत पे चढ़ जाते थे, उस जमाने में लाउड स्पीकर जो नहीं होते थे, और बुलंद आवाज से तकबीरें पढ़ते थे ताकि नीचे जो गुजर रहे हैं और बाकी लोग हैं वो भी पढ़े। तो कोशिश ये करें कि घर के अंदर टेप पर या कंप्यूटर पे या कहीं ना कहीं लगा दे, क्योंकि आपको कहेंगे ना अच्छा तकबीर पढ़ो तकबीर पढ़ो तो फिर उलझेंगे लोग। लेकिन अगर आप प्ले कर देंगे तो उससे क्या होगा कि वो खुद ही वो भी साथ बोलना शुरू कर देंगे, और एक ईमान में अजब इजाफा होता है। आपने कभी ईद पढ़ी हो तो ईदगाह में तकबीरें पढ़ी जा रही हो, या फिर हरम से तकबीरात जो आती हैं अगर आप उनको सुने तो आपका एकदम ईमान ताजा होगा, एकदम आंसू आने लगेंगे। अल्लाह की हर कोई अल्लाह की बड़ाई बयान कर रहा है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इन दिनों में जानवरों पर भी अल्लाह का नाम लें, जबान पर भी हमारे अल्लाह का नाम, यानी अल्लाह के नाम की बड़ाई बयान करें, अल्लाह अकबर कहें। फिर इसी तरह यह है कि ईद का खास एहतमाम करें ताकि बच्चों को भी फील हो कि ये हमारी खुशी का दिन है। जिस दिन जो काम करने के लिए कहा जाता है उसको करना ही तो इबादत है। ईद पर खुश होना, खाना पीना, अच्छे कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, नमाज पढ़ने के लिए जाना, घर वालों को साथ लेके जाना, खुतबा सुनना वहां पर। ये नहीं कि नमाज हुई और बातों में लग गए, मेल मुलाकात, बाद इमाम खुतबा दे रहे हैं, लोग गले मिल रहे होते हैं। इन चीजों से बचना चाहिए। उस वक्त जब खुतबा सुनना तो खुतबे पर ही तवज्जो हो, और जो मुलाकात करनी है तो ढूंढ ढूंढ के सबको मिले और एक एक से मुलाकात करें, खुद आगे बढ़कर मुलाकात करें। ये ना हो कि आप इंतजार करें कि अच्छा कोई आए तो फिर इसी तरह गोश्त की तकसीम गरीबों को भी दें, अपने लिए भी रखें, पकाएं, खाएं, दें, दिलाएं, जो भी हो। तो ये सारी चीजें अजर और सवाब के काम है। और फिर ये जब 10 दिन पूरे हो जाते हैं तो फिर भी एकदम सब कुछ नहीं खत्म कर दें। फिर अगले 3 दिन जो है अय्याम तशरीक कहलाते हैं। अय्याम तशरीक 11, 12 और 13 जिन दिनों में हाजी हजरात मिना में तशरीफ फरमा होते हैं। इसके बारे में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अय्याम तशरीक खाने पीने और अल्लाह का जिक्र करने के दिन है। इन दिनों के 2 काम है, खाए पिए, ईद मनाएं, पार्टीज करें, गोश्त पकाएं, तरह तरह की डिशेज बनाएं, खाएं खिलाएं, और साथ अल्लाह का जिक्र ना भूलें, तकबीरात भी साथ साथ पढ़ें और आने वालों को भी पढ़ाएं। तब मिलके भी पढ़ें, अकेले अकेले भी पढ़ें, अल्लाह का जिक्र करें, क्योंकि हम बैलेंस नहीं कायम रख पाते। तकबीरों को लगते हैं तो खाना पीना भूल जाते हैं, खाने पीने को लगते हैं तो तकबीरात भूल जाते हैं। तो इन दोनों चीजों को साथ लेके चलने की जरूरत है। ठीक है। फिर यह है कि ईद के लिए अगर एक घर में एक से ज्यादा कुर्बानियां हो रही हैं तो कुछ खुद अपने लिए रख लें और कुछ आप गरीब इलाकों में भेजें। अब मसलन आप देखिए कि मुझे नहीं पता पिंडी में कौन सा इलाका अमीर है कौन सा गरीब, लेकिन मसलन लाहौर में डिफेंस है या कराची में डिफेंस है, तो अब डिफेंस में जो लोग रहते हैं वो तो हर घर कुर्बानी कर रहे होंगे, लेकिन इसके मुकाबले में कोई जो गरीब कच्ची बस्ती है वहां कितने लोग कुर्बानी कर सकेंगे, या कोई गांव है तो वहां तो नहीं कुर्बानी। अच्छा हम क्या करते हैं, हम 2-3 दिन बकरे कर रहे हैं, इस घर में भी उसमें भी, वो उसको भेज रहा है वो उसको भेज रहा है, बराबर कर लिया। गरीब बैठे बेचारे इंतजार करते रहे, उनका कौन ख्याल करेगा, हम नहीं सोचना है ना उनके बारे में भी। तो अल्लाह का शुक्र है कि हर साल अल-हुदा में गरीबों के लिए कुर्बानी करवाने के लिए पैसे इकट्ठे किए जाते हैं, फिर बकरे खरीदे जाते हैं और फिर दूर दराज इलाकों में जबा करवा के भेजे जाते हैं जहां पर जरूरतमंद लोग होते हैं। मसलन सिंध का एक इलाका है, वहां पर हमारी अपनी एक स्टाफ मेंबर, उनके वालिद जाते हैं और बाकायदा एहतमाम से हर साल माशाल्लाह वहां इजाफा होता जाता है, लेकिन फिर हर साल लेने वालों का भी इजाफा हो रहा है। लोग दूसरे दूसरे गांव से ट्रालियों पे बैठ के आते हैं और इंतजार करते हैं और फिर वो सारा गोश्त कटता है। फिर साल में वो कहते हैं बस यही एक दफा हम गोश्त खाते हैं जो यहाँ से लेके जाते हैं। ऐसे गरीब इलाके भी मौजूद हैं, नहीं अफोर्ड कर सकते। वो पालते भी है ना तो बेचने के लिए पालते हैं क्योंकि उनकी वो गुजर बसर उन्हीं पर होती है। अगर खुद ही जबा करके खा लें तो ऐसे ही जैसे कोई दुकान डाले और रोज घर में ही ले आए जो कुछ उसकी बचत है तो फिर तो कारोबार हो गया सारा। तो बहरहाल उन जगहों तक कुर्बानियां पहुंचाना आसान काम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हर जगह से मर्द हजरात को बुलाया गया मुख्तलिफ शहरों से और उनके साथ बैठ के अल-हुदा से जिनकी जिम्मेदारी थी उन्होंने मीटिंग्स की, उनको सारे तरीकाकार समझाया, फिर किस तरह जबा करना है किस तरह लाना है। तो इसलिए अगर आप में से कोई भी उसमें भी शरीक होना चाहे तो हर कोई अगर खुद अपनी गाड़ी लेके किसी गांव में जाए तो कितनी गाड़ियां जाएंगी, लेकिन अगर हम डेलीगेट कर देते तो एक बंदा 10-20 जो भी कुर्बानियां हैं वो लेके एक खास इलाके में वहां पहुंच जाए और वहां जबा करवा के और सबको तकसीम कर दे। तो कुरान पाक में आता ना, इसमें से खुद भी खाओ और खिलाओ बेकस फकीर को भी, गरीब फकीर मिस्कीन को भी खिलाओ। क्योंकि अल्लाह ने ये रखा ही इसलिए है कि उन तक भी खैर पहुंचे। अच्छा बहुत से लोग कहते हैं कि अच्छा इस मौके पे किसी गरीब की मदद कर देते हैं। नहीं, जो मदद आप कुर्बानी के जरिए कर सकते हैं ना, 10 तारीख और फिर उसके बाद अय्याम तशरीक, अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा जो महबूब अमल है वो जानवरों का खून बहाना है। कोई दूसरा अमल उसके बराबर ही नहीं है उस वक्त। अगर आप ये कहें कि इस वक्त मैं किसी को कपड़े खरीद के दे दूं या मैं इस वक्त कुछ और करूं, तो नहीं, इस वक्त यही करना है। और इसका दोहरा फायदा है, एक गरीब को तो गोश्त मिलेगा ही मगर उसके साथ अपना तज़किया भी होता है। खासतौर पर अगर आप कुर्बानी के करीब खड़े, आपके सामने अगर बकरा ज़िबा हो और उसका बहता हुआ खून आप देखें तो उस खून का भी जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया। लन यनाल अल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह को खून और गोश्त नहीं पहुंचता, तुम्हारा तकवा पहुंचता। ये तकवा पैदा होता है जब आप वो खून देखते हैं ना तो दिल के अंदर एक अजीब चीज उछलती है, एक अल्लाह की खास मोहब्बत जागती है उस वक्त जो उस मंजर को देख के होता है कि इस जानवर को अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर कह के इसकी जान ली गई है एक तरह से। और वो किस तरह बड़े से बड़ा जानवर जो है, जैसे ऊंट है, गाय है, छोटे तो बस ही लेटे होते हैं, लेकिन अगर आप गाय को लेटे हुए देखते हैं या ऊंट को लेटते हुए देखते हैं तो एक अजीब दिल पे कैफियत छाती, उससे भी एक ईमान बढ़ता है, उससे फिर अल्लाह की याद आती है कि अल्लाह की क्या कुदरत है, अल्लाह ने इन जानवरों के अंदर जान डाल के इनको हमारे फायदे का बनाया। एक तो इतना डेड चीज होती है, उसके अंदर कोई जान नहीं, जहां पड़ी है पड़ी, वो टूट जाए कुछ हो जाए तो इतना होता है मगर इतना नहीं, लेकिन एक जान अजब खास तौर पर गिड़गिड़ जब उसके गले में हो रही होती है तो इंसान को अपनी मौत भी याद आती है। और कई चीजें होती हैं, आप इसका तजर्बा करें। सहाबियात अपने हाथों तक से कुर्बानी करती थी, और उससे इंसान के अंदर एक जुर्रत भी आती, एक खौफ खत्म होता है। वो बाज लोग कहते हैं ना, हाय हाय मैं खून नहीं देख सकती, तो अगर हर साल कुर्बानी का बचपन से ही आप देख रहे हैं तो देख लेंगे, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जिंदगी में आपको नहीं पता कि कहाँ क्या देखना पड़ जाए, तो वे मर जाएंगे उनको देख के। बहादुर होना चाहिए मोमिन को, बुजदिल नहीं होना चाहिए। तो ये अल्लाह ताला ने हमें बहुत कुछ सिखाने का एक निजाम कायम किया है, इसको फॉलो करने में ही हमारी भलाई है। उसके मुकाबले में खुद साख्ता तरीके मत इजाद करें कि ये काम ऐसे नहीं हम वैसे कर लेते हैं, और अपनी अकल को अल्लाह की विजडम के ऊपर मत डालें, तो उसको ऊपर नहीं करें। अल्लाह की विजडम और अल्लाह की जो हिकमत है उसके मुख्तलिफ अहकामात की, वो हमें सामने रखनी चाहिए। और उन लोगों को वार्निंग भी दी गई जिनको कुर्बानी की वुसअत है और फिर वो वुसअत के बावजूद कुर्बानी ना करें। वो हदीस में आता ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो वुसअत के बावजूद कुर्बानी ना करे फिर वो हमारे मुसल्ले पे ना आए, उसको नमाज का भी फायदा कोई नहीं, क्योंकि नमाज के साथ कुर्बानी का जिक्र किया गया कुरान मजीद में। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कह दीजिए बेशक मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना अल्लाह रब्बुल आलमीन की। अब आप देखिए, सलाती और नुसुकी, सलात के साथ महयाया और नुसुकी के साथ ममाती, क्योंकि कुर्बानी के साथ ममाती, जैसे जानवर जा रहा ना ऐसे ममाती, मैंने भी मरना है। और इससे सलात जो है जब तक जिंदगी है, आखिरी दमों तक आपको नमाज पढ़नी है, उससे फरागत नहीं है। लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब कुछ अल्लाह के लिए, खालिस नियत के साथ, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए सब कुछ करना है। और फिर ये सुन्नत है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। सहाबा ने पूछा था कि मा हादिल अदाही, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुर्बानियां क्या चीज है, ये क्यों जानवर कुर्बान करते हैं हम? तो आप फरमाया, सुन्नत अबीकुम इब्राहिम, तुम्हारे बाप इब्राहिम की सुन्नत है, उनका तरीका है, उन्होंने ये तरीका इख्तियार किया था, वहां से शुरू हुई थी एक तरह से ये रेगुलर बेसिस पे कुर्बानी की जाने। वरना पहली शरीयतों में भी थी, हाबिल काबिल की कुर्बानी का जिक्र आपने कुरान मजीद में पढ़ा होगा, सुना होगा। और वो आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे, इससे ये पता चलता है कि बहुत अर्लीस्ट स्टेज पर कुर्बानी का हुक्म था, और उसके बाद भी कुर्बानियां होती नहीं, क्योंकि अल्लाह ने जानवरों को बनाया हमारे लिए। तो जब हम आम दिनों में ज़िबा करके गोश्त खाते हैं, तो फिर एक खास मौके पर अल्लाह के लिए उसको ज़िबा करते हैं। और वहां तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो अपना बेटा ज़िबा किया था, जिसको अल्लाह ने बचा लिया। किस तरह उसको अपने साथ लेके जाते हैं, और मक्का से निकल जाते हैं और मिना जाते हैं, कई मील दूर चलते चलते, ज़ाहिर हाथ में छुरी भी होगी, और बेटा भी साथ जा रहा होगा, और बेटा भी बुढ़ापे में मिला, और वो अब यंग टीनेजर है। इस एज के बच्चे जो होते हैं, जो बिल्कुल यंगस्टर्स होते हैं, वो एक माँ बाप के दिलों में खास तंग भी करें फिर भी बहुत प्यार होता है उनके साथ। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो कभी कभार आते थे वहां, वो तो माँ ने ही पाला था बेटा, और फिर माँ ने भी कुछ नहीं कहा। अच्छा, अल्लाह का हुक्म है। बेटे से पूछा, अच्छा तुम क्या कहते हो? इससे भी पता चलता है कि जब बच्चे जवान हो जाए तो उनसे मशवरा करना चाहिए, उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगरचे उन्होंने ख्वाब देखी, अल्लाह का हुक्म समझा, लेकिन बेटे से पहले पूछा कि ऐ बेटे तुम क्या चाहते हो, क्या करूं? तो उन्होंने कहा, या अबतिफाल मा तुअमर, आप वो कर लें जो अल्लाह ने आपको हुक्म दिया, मैं हाजिर हूं उसके लिए। तो उन्होंने उसको उल्टा लेटा दिया और फिर उसके ऊपर छुरी फेरी। बना देना हो अय्या इब्राहिम कद सद्दक़्त रुया, तो इम्तिहान में कामयाब हो गया, अपना ख्वाब सच कर दिखाया। और फिर उसकी जगह वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, हमने एक अजीम कुर्बानी के साथ उस बच्चे को बचा लिया, यानी फिदिया दे दिया उसका। ये सूरत अस्साफ़ात की आयात है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अपने रब की तरफ जाता हूँ, अनकरीब वो मेरी रहनुमाई करेगा। ऐ मेरे रब, मुझे सालिहीन में से औलाद अता कर, यानी अभी बच्चा नहीं हुआ, ये उस वक्त की बात है। तो हमने उसको एक हलीम बुर्दबार लड़के की बशारत दी। ये जो हिल्म है ना, ठहराओ, बर्दाश्त और अच्छी तरह काम करना, यानी सोच समझ के करना, ठंडे दिल दिमाग से, ये सिफत भी अल्लाह को बड़ी पसंद है। इसीलिए इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने उसको हलीम बच्चे की बशारत दी। सिर्फ बच्चा नहीं, हलीम। अच्छा, ये हलीम क्या है, यानी ठहराओ क्या है? ठहराओ ये है कि एक वफ्द था, अब्दुल कैस, वफ्द अब्दुल कैस बहरीन की तरफ से ये वक्त आया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में और बेहतरीन वक्त करार पाया। ये लोग मदीना आए काफी मसाफत तय करके। जब मस्जिद नबी के करीब पहुंचे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो सवारियों से कूद पड़े और सब आपके पास फौरन पहुंच गए मुलाकात करने के लिए। लेकिन जो उनमें सबसे कम उम्र थे, उनका नाम अल अशज था, वो पीछे रहे। उन्होंने सवारियों को बांधा, दो कपड़े निकाले, कपड़े तब्दील किए और बहुत आराम से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे। तो आपने फरमाया कि तुम में दो खूबियां ऐसी हैं जो अल्लाह ताला को बहुत महबूब हैं, अल-हिल्म वल अनात, हिल्म बुर्दबारी और अनात ठहर के काम करना, यानी आहिस्तगी और सोच समझ के काम करने की सलाहियत। ये अल्लाह को बड़ी महबूब है। हालांकि वो सबसे कम उम्र थे वक्त में, और यहाँ भी बच्चा जो होगा वो हलीम होगा। आपने देखोगा कुछ बच्चे बड़े हाइपर होते हैं और कुछ बच्चे बड़े समझदार होते हैं। बचपन से ही पता चलता है कि इनके अंदर एक खास समझदारी। ठीक है, बच्चा होने के नाते शरारतें करते हैं वो भी, लेकिन बड़ा फर्क होता है। तो हमने उसको हलीम लड़के की बशारत दी। ये हिल्म क्या होता है? हिल्म होता है कि जब आपके साथ कोई जहालत बरते, जब आपके साथ कोई जाती करे, तो उस वक्त आप जज्बाती ना हो, बल्कि सब्र के साथ उसकी बात सुन लें और ठंडे दिल से सारे पहलुओं पर गौर करके फिर आप उसके बाद जवाब दें। कभी ऐसा हुआ कि आपके किसी बच्चे ने कहा कि मामा रिलैक्स? इसको कहते हैं हिल्म वाला होना। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने उनको इतना प्यारा बच्चा दिया। वो लड़का जब उसके साथ दौड़ धूप करने की उम्र को पहुंच गया, यानी बड़े हो गए बच्चा, तो इब्राहिम ने कहा, बेटा मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ, तेरा क्या ख्याल है? उसने कहा, ऐ मेरे अब्बा जान, जो आपको हुक्म दिया गया कर डालिए, आप इंशाअल्लाह मुझे साबिरों में से पाएंगे। तो जब इन दोनों ने इताअत की और इस्माइल को माथे के बल गिरा दिया और हमने निदा दी कि ऐ इब्राहिम, तूने ख्वाब सच कर दिखाया, बेशक हम नेकी करने वालों को ऐसी ही जजा देते हैं। बेशक अलबत्ता ये एक बहुत वाज़े इम्तिहान था, बलाउं मुबीन, खुली खुली आजमाइश, और हमने एक बड़ी कुर्बानी के जरिए उसका फिदिया दिया। यानी जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक और मेंढा लेकर आ गए, और जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आंखों से पट्टी उतारी तो बेटे की जगह मेंढा ज़िबा हो चुका था, और हमने बाद वालों में उसका जिक्र खैर कायम कर दिया। तो जो इंसान कुर्बानी की सतह पे जीता है, कुर्बानियां करता है, उसका जिक्र खैर हर जगह होता है। मसलन खानदान में आपने देखा होगा कि जो बहू अपनी सास की खिदमत करती है, अपनी जवानी उसमें कुर्बान करती है, या जो माँ बेवा होकर बच्चों के लिए कुर्बानियां करती है, तो सारे लोग उसका जिक्र खैर करते हैं कि ये बहुत भली मानस औरत, उसने बड़ी कुर्बानियां की हैं। या कोई बच्चे यतीम होकर किसी के घर में आ जाते हैं और उनके लिए लोग अपने बच्चों का पेट काट के उनको देते हैं, तो ये बड़ी कुर्बानी की बात होती है। तो कुर्बानी एक ऐसी चीज है, किसी भी इंसान के लिए आप करें तो वो आपका एहसान मानेगा। और कुर्बानी क्या होती है कि अपनी ख्वाहिश और अपनी खुशी और अपनी मर्जी छोड़ के किसी और की खुशी के लिए, किसी और के सुख के लिए काम करना। देखिये, माँ नींद कुर्बान करती है तो बच्चे को संभालती है ना, दूध पिलाती है, उसका गीला जिस्म साफ करती है, तकलीफ उठाती है तो बच्चा पैदा करती है। कुर्बानी है ये सारी। तो जो अल्लाह के लिए कुर्बानी करें, फसल ले रब्बे का वनहर, अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और अपने रब के लिए कुर्बानी। यहाँ भी आप देख रहे हैं नमाज के साथ कुर्बानी का जिक्र है। तो कुर्बानी इतनी अहम इबादत है कि इंसान के अंदर वाकई खूबसूरत जज्बात पैदा कर देती है। तो इसलिए शौक से कुर्बानी करनी चाहिए, बोझ समझ के नहीं, और बहुत ज्यादा बाल की खाल उतार के उससे बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये तो मोहब्बत का। तो आपको किसी को तोहफा देना हो तो आप क्या करते हैं? आप पूछते हैं कि मैं साहिब निसाब हूं तो फिर तोहफा दूं? उसको तो हम नहीं कहते कि नहीं भाई, जिसको जो देना है देना है, ये तो देना है, अब इज्जत का सवाल है। तो बहरहाल खुलासा कलाम ये है कि ये दिन बड़ी कमाई के दिन है, इनमें गफलत नहीं बरतनी, इनमें आम दिनों की निस्बत ज्यादा इबादत की कोशिश करें, चाहे सारे दिन रोजा रखें, यानी जितने भी दिन है सदका खैरात ज्यादा करें या जिक्र ज्यादा करें, यानी कुछ ना कुछ करें सही। सारे दिनों पे भारी हैं, पूरे साल की कमाई के दिन है एक तरह से। जैसे रमजान की रातें जाग जाग के आखिरी अशरे की आपने कमाई की एतकाफ करके, इसी तरह ये दिन डे टाइम जो है इनका ये अफसल तरीन टाइम है, इससे फायदा उठाएं। अल्लाह ताला हम सबको नेक हिदायत दे और हमको अमल की तौफीक दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या जो लोग मर जाते हैं उनकी कुर्बानी दी जा सकती है? बिल्कुल दी जा सकती है। एक रिवायत में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से कहा था कि मेरे बाद तुम मेरे हिस्से की कुर्बानी करना, और वो जब तक जिंदा रहे हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुर्बानी करते रहे। इस अशरे में बालों और नाखनों का काटना मना है, जबकि चेहरे के गैर जरूरी बाल जो बहुत ही शर्मिंदगी का बायस है उनका क्या किया जाए? ये अक्सरियत की परेशानी, कुछ नहीं होता 10 दिन, क्या शर्मिंदगी, जो हमारी हकीकत है वो है। और आप देखिए कि अब तो गुजर गया, वरना आखिरी दिन में अगर आप कर लें तो 8 दिन गुजर ही जाते हैं, निकल ही जाते हैं। मैं कोई सोचती हूँ कि कभी इतने कॉन्शियस हम अपने गुनाहों के बारे में हो जाए ना कि गुनाह हमारे शर्मिंदगी का बायस है अल्लाह के सामने, और क़यामत के दिन रुसवाई का बायस है। तो हम कितनी अलर्ट जिंदगी गुजारें, ये इन बालों से ज्यादा बड़ा मसला है। तो हमें क्या करना है? बस कोई बात नहीं, 8-10 दिन इत्काफ कर लें, ना जाएं लोगों के पास जो आपको शर्मिंदा करें। ये कुछ कार्ड्स हैं जैसे तकबीरात के, ये भी घर में याद दहानी के लिए आप लगा सकते हैं। सबको तोहफा दें, आप आगे सदका करें ताकि लोगों को फायदा पहुंचे। ये हजरत इस्माइल की कुर्बानी की नज़म है, ये भी बड़ी खूबसूरत है, पढ़ के सुनाएं बच्चों को। और क्योंकि कुर्बानी का भी असल मकसद तकवा का हुसूल है, तो तकवा की दुआएं हैं, ये भी आप कुर्बानी के गोश्त के साथ आप दूसरों को तोहफा दे सकते हैं। जुलहज्जा और कुर्बानी जो लेक्चर मैंने आज दिया है, ये कुछ साल पहले दिया था, तो उसकी कैसेट अगर औरों को सुनवाना चाहे तो ये भी मौजूद है। जो कुर्बानी करता है तो अफसल तो यही है कि उसी गोश्त से खोला जाए, चाहे कलेजी, चाहे कोई कलेजी जल्दी पक जाती है, इसलिए हमारा ये ट्रेंड है कि पहले कलेजी पका लेते हैं ताकि जल्दी से खाएं, भूख लगी होती है। सहाबियात अपने छोटे दूध पीते बच्चों को भी कुछ नहीं खाने को देती, तो उनको खिलौनों से बहलाती थी। लेकिन अगर कसाई शाम तक ना आए तो फिर इतना लंबा रोजा नहीं रख सकते, फिर किसी भी चीज से खोल ले, गोलगप्पे से या कोई दही भल्ले से। क्या कुर्बानी करने के लिए शोहर की इजाजत जरूरी है? शोहर को हर चीज में एतमाद में लिया करें, चोरी चोरी काम ना किया करें, फिर घर में लड़ाइयां पड़ती हैं। ठीक है, ओके। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वहाब। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना वज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। या रब्बुल आलमीन, जो कुछ हमने पढ़ा है, सुना है, इस पर अमल की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें ज्यादा से ज्यादा नेकियां करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह अपने पसंदीदा कामों के लिए हमारा सीना खोल दे और हमारे रास्ते आसान कर दे। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। अल्लाह हम सब पर अपनी रहमतें निछावर फरमा, हमारी औलादों को हिदायत अता फरमा, नेकी के रास्ते हमारे लिए आसान कर दे। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह, लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह ला नअबुदु इल्ला इय्याह। लहुन निअमतु व लहुल फद्ल व लहुल सनाउल हसन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुखलिसीना लहुद्दीन वलौ करिहल काफिरून। या अल्लाह पाक, तमाम बीमारों को सेहत कामिला अता फरमा। अल्लाह जितनी बहनें आई हैं इनका आना कबूल फरमा। जो बीमार है हमें सेहत अता फरमा। या अल्लाह, जिन्होंने हमें ये जगह दी हुई है उनको बेहतरीन जजा अता फरमा और उनकी दुनिया और आखिरत की मुश्किलात आसान फरमा। या अल्लाह हमारे वालिदैन पर अपनी रहमत फरमा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्किही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व अहलि बैतिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इलाही आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।